नहीं दसवीं पातशाह का स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत रूप बाणी का अदब जदों तक इशनान ना कर लीए महाराज जी साबिया नहीं करे आना अमृत वेले जे जंगल मैदान जाके आईए तो जदों तक इशनान नहीं कर लेना तदों तक गुरु की ताबिया नहीं करे सकना घट तो घट पांच इशनान करके सतगुरु जी की ताबिया आना है चंगी तरह गोडिया तक पैर धो के कई थावां ते वेख्या है बीमारी है कईयां नूं वेखण विच आ रहे साध दूरों जदों आना तो अगे अपने लीड़ा विछाउंदे आना ते अपने पैरां च उही जराबां जुत्ती वारियां लै के ताबिया आ बैठना वड्डे वड्डे महात्मा कहाउंदे ने वो गुरु की बाणी का अदब नहीं करते यह बिरबी है गुरु के सिंह ने अदब सत्कार साहब आना है और जदों तक घट तो घट पांच इशनाना नहीं पहला इशनान अमृत वेले किया हो तदों तक महाराज जी ताबिया नहीं बैठ सकते महाराज जी ताबिया बह के पैर नूं हथ नहीं लाउणा महाराज ताबिया बह के नक नूं मूंह नूं मुशहरियां ते हथ नहीं फेरना जूठा हो जाता है सो परने दे नाल किरिया करनी जो करनी है सतगुरु सच्चे पातशाह दे रुमाला फेरना है कदे गर्द नहीं पैण देनी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा रूप प्रकाश करके बाकी दीआं गल्लां कदे नहीं करी जा रहीआं जे किसे ने बचन करना भी अबुल तां महाराज जी ताबिया करना नहीं चाहिए जे जरूरी भी है तो महाराज जी उपर रुमाला पा के अदब सत्कार दे नाल करना है सच्चे पातशाह कृपा करन आपां नूं इह अदब सत्कार बख्शन जिस करके अपना भला होवे।